दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना इलाके में बीती रात चलती गाड़ी में बोनट पर सवार दूध व्यवसायी को काफी दूर तक ले जाने का मामला सामने आया है, जिसमें मूलचंद फ्लाईओवर से लेकर डीएनडी तक टेम्पो ट्रेवल के ड्राइवर ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में बोनट पर सवार दूध व्यवसायी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन डीएनडी के पास टेम्पो ट्रेवल ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी। जैसे ही दूध व्यवसायी नीचे उतरा, आरोपी ड्राइवर ने झटके से गाड़ी स्पीड में भगा ली। फिर पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पहले मामला नोएडा का बताया जा रहा था, बाद में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का निकला, फिर बाद में मामला साउथ डिस्ट्रिक्ट के कोटला मुबारकपुर थाने पहुंचा। पुलिस ने टेम्पो ट्रेवल के बारे में पता लगा लिया है। पीड़ित को थाने में बुलाया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसका दूध का व्यवसाय है, वह बिजवासन में परिवार के साथ रहता है। नया ड्राइवर उन्होंने अपने टेम्पो पर रखा था, इसलिए उसको रूट दिखाने के लिए दो दिन से वह साथ में रात में जा रहे थे। मेरी गाड़ी जो 17 फुटी कैंटर है, वो गाड़ी बामडोली द्वारका सेक्टर 28 से जैपिटो कंपनी का दूध लोड करके ला रही थी। तो मैं और मेरे साथ मेरा कंडक्टर था, मैं गाड़ी का ओनर हूँ, तो ड्राइवर जो था वो नया था, तो उसे रास्ता वगैरह कुछ पता नहीं थे। तो मैं उसे दो दिन से रेगुलर रूट वगैरह और पॉइंट वगैरह बताने के लिए आ रखा था। एक दिन तो सही आया, कल इस एम्स अपना जो एम्स की साइड से गाजियाबाद की साइड जा रहे थे, राजनगर जाना था हमें, तो जो साउथ एक्स का फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर चढ़ती एक टेम्पो ट्रैवल वाला लेफ्ट साइड से आया, मैं लेफ्ट साइड गेट के सहारे लेटा हुआ था, तो उसने वो बहसबाजी करने लगा। मैंने शीशा खोला, मैं भाई क्या बात होगी, बोला भाई पीछे देख के तो गाड़ी चलाओ, क्या बात ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे। मैं भाई हमारी लेफ्ट लाइन होती है, हम लेफ्ट लाइन में ही चलेंगे, राइट में चलेंगे, हमारा चलान है 10,000 का। वो ठीक है, वो मैंने ड्राइवर को बोला थोड़ी सी राइट दे दे, वो निकल जाएगा। वो लेफ्ट साइड से निकल गया, निकलते ही उसने गाड़ी जैसे उसकी पूरी गाड़ी पार होगी, जो पीछे का हिस्सा बचता है ना, उससे उसने पूरी गाड़ी हिट करी। हिट करते जो साइड मिरर होता, मैंने गेट पकड़ रखा था, अगर मेरा पैर थोड़ा सा अगर सीट के पीछे नहीं फंसा रहता ना, तो मैं अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे ही आ जाता थी। तो उसके बाद मैं वहाँ से दौड़ के उसे मूलचंद की रेड लाइट पर रोका, उसने एक वहाँ पे उसकी गाड़ी में सवारी बैठी, तो उसने सवारी उतारी। उसके बाद उसकी गाड़ी के आगे मैं खड़ा हो गया ऐसे कि भाई गाड़ी रोक दे, नीचे उतर के बात आ जाए। मैंने गेट खोला, गेट उसने लॉक कर लिया। उसके बाद मैंने उसके बोनेट के ऊपर ऐसे हाथ पकड़ के गाड़ी खड़ा हो गया, उस बंदे ने गाड़ी बढ़ाई, गाड़ी बढ़ाती गाड़ी थोड़ी सी स्पीड हो गई, मैं उसके बोनेट पे चढ़ गया। मैं कहा तू भगा कहाँ तक भगाता गाड़ी। फिर लास्ट में आश्रम वाला जो फ्लाईओवर है जो सरायकाले खां नोएडा की साइड जाता है डीएनडी की साइड, तो वहाँ पे उसको दो टैक्सी वालों ने उसकी गाड़ी भी रोकी है, रोकने की कोशिश करी है, तो उनको भी कह रहा है कि तुम्हें भी मरने का शौक है तो तुम भी आ जाओ। उसके बाद उसने जाके मेरे को डीएनडी फ्लाईओवर पे उतारा है, वो भी उसके बाद मैं दौड़ दौड़ जल्दबाजी में जल्दी से उतरा हूँ धीरे करने के बाद, और उसके बाद वो गाड़ी वाला फरार हो गया। रात करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच यह घटना हुई, जब रास्ते में अचानक टेम्पो ट्रैवल ड्राइवर ने बाएं तरफ से दूध वाले टेम्पो के साथ गाड़ी को लगाया, बहस करने लगा और फिर झटके से गाड़ी को आगे निकाल दिया। जब पीड़ित दूध व्यवसायी मूलचंद रेड लाइट के पास से उतरकर टेम्पो ट्रैवल को रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी पीड़ित जब बोनट पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश की, तो आरोपी टेम्पो ट्रैवल के ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और काफ़ी दूर तक उसे बोनट से उतरने नहीं दिया, बल्कि स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन डीएनडी के पास अचानक ड्राइवर ने टेम्पो ट्रैवल को रोका। जैसे ही पीड़ित दूध व्यवसायी नीचे उतरा, तो आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की बजाय स्पीड और बढ़ा दी और वहां से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। We'll be right back.